अभिषेक कात्यायन सातवीं बार मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। दो डिप्टी सीएम समेत 12 मंत्रियों ने शपथ ली है। बीजेपी कोटे से 7, जेडीयू कोटे से 5 मंत्री बनाए गए, जबकि एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के से भी एक एक मंत्री ने शपथ ली है। इस तरह टीम नीतीश एक बार फिर तैयार है बिहार को सुशासन की सरकार देने के लिए। साथ ही टीम नीतीश में सोशल इंजीनियरिंग की झलक भी दिखी, इसमें सभी तबके को भागीदारी दी गई है। सरकार के सिपहसालार तैयार हैं और बिहार कैबिनेट की इस नई टीम के गठन और बिहार में जीत के चाणक्य भूपेंद्र यादव ने शपथ ग्रहण के बाद आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को एक बार फिर दोहराया है। एक बड़ी जीत आपने हासिल की है, आपके चेहरे पर पहली जो इंटरव्यू था मेरा, आपने वायदा किया था कि 2/3 मतों से जीतेंगे, ये वायदा पूरा हो गया। एक वादा और आपने किया था, आपको मिस्टर भरोसेमंद मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये वर्ड जब हमने आपको दिया तो आपने कहा था कि हमारी जो वी आर मैन ऑफ वर्ड, हमने कहा है नीतीश जी नेतृत्व संभालेंगे तो संभालेंगे, पूरा कर दिया आपने। तो जो मैंने कहा पूरा किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और 2/3 मतों से जीतने की बात की थी, इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या लग रही है आपको, क्योंकि बड़े तौर पर बड़ी संख्या में आप लोग? चुनौती से ज्यादा संकल्प है, जो आत्मनिर्भर बिहार बनाने का संकल्प है उस पे आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे साथ भूपेंद्र यादव। देखिए इस वक्त भूपेंद्र यादव जो निकल रहे हैं उनके काफिले के ठीक आगे निकले हैं अमित शाह, और अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा भी इस वक्त निकल चुके हैं। भूपेंद्र यादव को की पर्सन माना जाता है इन चुनावों के लिए, और लगातार राजभवन से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन शिव के साथ माधुरी कलाल, राजभवन बिहार पटना। शपथ ग्रहण के बाद सीएम नीतीश ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। हम लोग मिलकर काम करेंगे, जनता की सेवा करते रहे, जनता की सेवा करते रहेंगे। सुशील मोदी इस बार आपके साथ नहीं होंगे, वो तो सुशील मोदी जनता पार्टी का निर्णय है, क्योंकि कौन कौन लोग मंत्री पद पर रहेंगे, उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे, उनका निर्णय। क्या उनकी काबिलियत का इस्तेमाल करना चाहिए बीजेपी को? वो तो एक बीजेपी के का निर्णय है, इसलिए यह प्रश्न तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। आप मिस करेंगे उनको अपने मंत्रिमंडल में? आज तो हो ही गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब नीतीश कुमार के साथ दो डिप्टी सीएम काम करेंगे। बीजेपी नेता तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। शपथ ग्रहण के बाद डिप्टी सीएम रेणु देवी ने हमारे संवाददाता रूपेंद्र श्रीवास्तव से खास बात की और सरकार की योजना बताई। हमारे जेपी नड्डा और सारे हमारे नेताओं के प्रति जो एक रुझान है, रुझान में उनका ऐसा महसूस होता है कि डबल इंजन की सरकार महिलाओं के लिए जो किया है, शायद कभी इतिहास में किसी ने नहीं किया। आप देख लीजिए कि जो लालटेन युग था, वो लालटेन युग ख़त्म हो गया, अब हम बिजली के युग में हैं और 24 घंटे वाले बिजली में हैं। जो शौचालय नहीं थी, हमारे महिलाएं रोड पे जाके शौचालय करती थी, और जब गाड़ी जाती थी खड़ी हो जाती थी। ये पीड़ा किसी ने नहीं देखा, सिर्फ सत्ता का भोग भोगा। लेकिन जो हमारी सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, उन्होंने ये महसूस किया कि हमारी गरीब बहनों को जो तकलीफ़ होता है, उन तकलीफ को कैसे हम ख़त्म करें। उन्होंने शौचालय निर्माण का, और पूरे देश में, पूरे बिहार में आज शौचालय निर्माण का हुआ। मेरी रेणु जी, उसी लालटेन युग में राबड़ी देवी पहली महिला मुख्यमंत्री बिहार की बनी थी, और आज आप उप मुख्यमंत्री बनी हैं। देखिए, वो जो युग था वो गुंडागर्दी का युग था, वो जो युग था महिलाओं का सम्मान का युग नहीं था। महिलाएं 5 बजे कुंडी लगा के घर में रह जाती थी, और आज जो है महिलाएं 12 बजे रात को भी बाहर से जाती हैं तो उन्हें कोई चिंता नहीं होती है। तो इसलिए मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सरकार को भी मैंने देखी है, क्योंकि मैं उस समय भी विधायक थी, और उस समय 5 बजे कुंडी लग जाते थे, और जो अपहरण का सिलसिला शुरू होता था या जो रंगदारी मांगी जाती थी, शायद इस 15 वर्षों में नहीं हुआ है। आगे क्या होने वाला है बिहार में? देखिए, आगे हमारे बिहार में विकास ही विकास होगा। हम 7 निश्चय में काम कर रहे थे, उसमें और ज़्यादा निश्चय बढ़ाएंगे। 7 निश्चय का जो हमारा काम चल रहा है उसका मॉनिटरिंग करेंगे, अगर कुछ हमें खामियां दिखाई पड़ेगी उसका भी हम लोग काम करेंगे। और आने वाले समय में महिलाओं का तो विकास ऐसे ही, आप देख रही हैं हमारी जीविका दीदी आज 2-2 करोड़ का मास्क बना रही हैं,
जो एक आत्मनिर्भर बिहार कहते हैं वो आत्मनिर्भर उस तरह से आपके देखिएगा तो बहुत सारी हमारी जीविका दीदी मिल है, बहुत सारे गायें हैं, बहुत सारे डेयरी का काम करती हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया से सांसद संजय जायसवाल ने भी बिहार चुनाव में कड़ी मेहनत की। उन्होंने क्या कुछ कहा शपथ ग्रहण के बाद नई टीम के लिए, वो सुनिए। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जो हैं वो हमारे साथ हैं। संजय जी, चंपारण को डबल खुशी मिल गई है। बिल्कुल, चंपारण को खुशी मिली है और बिहार को 19 लाख नौकरी देने की बात हुई थी, 19 लाख रोजगार के अवसर देने की बात हुई और वो हम दिखा देंगे। तो एक चीज और संजय जी, कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरह से आज आया नहीं है, तो संजय जायसवाल ने कहा है कि 19 लाख नौकरी देने की बात हुई है और 19 लाख से अधिक नौकरी जो है वो जो है वो करके बीजेपी दिखाएगी। क्या मैंने अशोक के साथ अच्छी मीडिया पटना। मुजफ्फरपुर के औराई से विधायक बने राम सूरत राय ने बीजेपी कोटे से मंत्री पद की शपथ ली है। जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने शपथ ग्रहण के बाद मंत्री राम सूरत राय से खास बातचीत की। नए मंत्री बने शपथ लिए हैं राम सूरत राय, उनसे हम बात करते हैं। एक तो बहुत बधाई हो। जी नमस्कार, धन्यवाद आप सबों को। और किस तरीके से प्राथमिकता होगी आपकी? निश्चित रूप से मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के मैं पहले बात कर लूँ। औराई की जनता ने बहुत ही उम्मीद से और बहुत सर्वाधिक मतों से जिताने का काम किया है, इसलिए औराई का प्राथमिकता बचे हुए कामों को पूरा करना और साथ साथ बिहार में मुझे दायित्व मिला है, बड़ी ईमानदारी पूर्वक मेहनत करके पार्टी को, सरकार को और औराई के जनता के साथ साथ पूरे बिहार की जनता का काम कर पूरा करूँगा। राम सूरत जी, अब औराई नहीं, अब पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व आप करेंगे एक मंत्री के नाते, तो किस तरीके से आगे कार्य योजना होगी? निश्चित रूप से जो हमारी सरकार का जो एजेंडा होगा, जो योजना होगा, उसको धरातल पर उतारने का काम करूंगा और बाकी जो फैसला लिया जाएगा उसके साथ में कदम मिला के चलूंगा। मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है और जो चेहरे सामने में आए हैं, कई ऐसे हैवी वेट लोग हैं जिनको दरकिनार किया गया है, तो ऐसे में आप पे जो भरोसा है वो और भी जवाबदेही आपको? निश्चित रूप से मैं पहले आपको बता दूं कि पार्टी के अंदर किसी को दरकिनार नहीं किया जाता है, कहीं ना कहीं उस योग्यता के अनुसार उस व्यक्ति को काम में लगाया जाता है और नए चेहरे को भी मौका दिया जाता है। ये पार्टी हमारी तय करती है और पार्टी सबों के लिए काम करती है, बड़े बुजुर्ग छोटे बड़े सबों के लिए काम करती है और निश्चित रूप से पार्टी नेतृत्व ने जो तय किया है पार्टी के हित में तय किया है। एक तरीके से अब जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, जिससे कहें कि अब नई पीढ़ी की ओर बढ़ रही है, अगर बीजेपी की ही बात कर ले हम, और साथ ही साथ एक लोग ये भी कह रहे हैं कि 2024 का ख्याल रख के आगे बढ़ा जा रहा है, तो निश्चित रूप से नई पीढ़ी आगे आता है, हमारे सम्मानित अभिभावक साथ में रहते हैं, उनका मार्गदर्शन मिलता है और उस योग्यता के अनुसार उनको आगे भी जगह मिलेगा। राम सूरत राय जो कि उन्हें जो जवाबदेही मिली है इसको लेकर खासे उत्साहित हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में न सिर्फ अपने क्षेत्र औराई के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए हुए जतन के साथ काम करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने को लेकर। कैमरामैन विजय के साथ रजनीश, जी मीडिया पटना। डॉक्टर मेवालाल चौधरी नीतीश कुमार की टीम के नए सदस्य बने हैं। वहीं विकासशील इंसान पार्टी कोटे से मुकेश सहनी मंत्री बनाए गए हैं। तो पिछली बार बिहार विधानसभा के स्पीकर रहे विजय कुमार चौधरी भी इस बार जेडीयू कोटे से मंत्री बने हैं। आखिर क्या है उनका प्लान, आइए जानते हैं। तारापुर के विधायक मेवालाल चौधरी, बहुत बधाई हो आपको। आपको मैंने धन्यवाद पहले भी दे दिया है और आप किस तरह की प्राथमिकता होगी अब आपकी? मैंने क्या कहा था उस समय भी कहा था, विकास विकास और सिर्फ विकास। अब विकास के अंदर सब चीज है, चाहे शिक्षा हो, चाहे कृषि हो, चाहे रोड हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे जो भी हो, सब चीज एक चौतरफा विकास करना है ताकि हम लोग एक नया बिहार, एक विकसित बिहार बना रहे। धन्यवाद। तो मुकेश जी, किस तरीके से प्राथमिकता होगी अब? प्राथमिकता यही रहेगा कि बिहार के लिए, विकास के लिए कार्य करें और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार चलेंगे उनका हाथ के नीचे रह के बिहार में जो भी जवाबदेही देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी उसको निर्वाह करेंगे, मजबूती से काम करेंगे हम लोग। पहले तो बहुत बधाई, जाने दीजिए ना। नहीं, आप तो जाएंगे ही, सदन में ही जाएंगे, आसन के जगह अब मंत्री पद संभाल रहे हैं, तो किस तरीके से आपकी पहली प्राथमिकता प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया तो उस समय विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका में थे, अब मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे। इसके पहले भी, अध्यक्ष बनने के पहले भी हम मंत्री के रूप में जिम्मेवारी निभा चुके हैं।
दरभंगा के जाले से विधायक जीवेश मिश्रा ने मैथिली में शपथ ग्रहण किया। आखिर क्या है उनका सुशासन प्लान, आइए जानते हैं। जीवेश मिश्र हमारे साथ हैं, जाले से विधायक हैं, मंत्री बने हैं। पहले तो आपको बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, जिस तरह से आपको मंत्री पद मिला है, तमाम कद्दावर नेता थे जिनको दरकिनार करते हुए आप लोग मंत्री बनाया गया है, तो क्या कहेंगे? पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने जो आदेश दिया है उसका पालन करूंगा। अच्छा, पार्टी ने आदेश दिया उसका पालन करेंगे, क्या क्या प्राथमिकता होंगी, क्योंकि आप उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ आप इस बार भरपूर मात्रा में सीट मिली। आत्मनिर्भर बिहार बनाना है, आपके सभी प्रश्नों का जवाब इसी उत्तर में है। अच्छा, सभी प्रश्नों का जवाब इस उत्तर में है। क्या लगता है कि युवाओं पर ज्यादा जोर दिया गया? मैंने कहा आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे तो बिना युवाओं पर जोर दिए आत्मनिर्भर बिहार कैसे बन सकता है? क्या करेंगे सबसे पहला मिथिला के लिए, क्या काम करेंगे आप मैथिली में शपथ ली? मिथिला के अंदर जो हम लोग काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर मिथिला बनाना है। मखाना को ब्रांडिंग करके आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के स्तर पर इसको स्थापित करने का काम किया है। आने वाले दिनों में मिथिलांचल के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, उस पर हम लोग मिलकर काम करें। पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा भी छाया रहा है और रोजगार का भी मुद्दा छाया रहा है। मैंने एक ही लाइन में आपसे कहा कि मुझे हम लोगों को मिलकर के आत्मनिर्भर बिहार पर काम करना है। जब बिहार आत्मनिर्भर हो जाएगा तो पलायन कोई मुद्दा रहेगा क्या? जब बिहार आत्मनिर्भर हो जाएगा तो युवाओं का रोजगार कोई मुद्दा रहेगा क्या? उस पर मिलकर काम करेंगे। साफ तौर पे कहें आत्मनिर्भर बिहार, इसकी बात कर रहे हैं जीवेश मिश्रा। बीजेपी कोटे से मंत्री पद की शपथ लेने के बाद रामप्रीत पासवान ने भी अपना पहला इंटरव्यू जी मीडिया को ही दिया और भविष्य में काम करने की नीति के बारे में बात की। रामप्रीत पासवान ने कहा कि हम जहां हैं उससे और आगे बिहार को लेकर जाएंगे। सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि अब पार्टी उन्हें कोई नई जिम्मेदारी देगी। नीतीश कुमार ने सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और इस बार बिहार कैबिनेट में कुछ नए चेहरों को शामिल भी किया गया है। जिन नए चेहरों को शामिल किया गया है उसमें जो नया चेहरा है वो है मधुबनी के राजनगर से विधायक रामप्रीत पासवान, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और इस वक्त वो हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपको मंत्री बनने की बदौत बधाई और शुभकामनाएं। चलिए आपको भी। सर, एक सवाल है कि इस बार जो भाजपा के जो नए लोगों को शामिल किया गया है, आपका ये पहला एक्सपीरियंस होगा, क्या एक मंत्री के तौर पर आपकी क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, मैं सबसे पहले अपने राजनगर विधानसभा के मतदाता, जिला के मतदाताओं को मैं बधाई देता हूँ और अपने भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं हमारे, जिन्होंने इस पद पर मुझे बैठाया है, मैं उनको कोटि से नमन करते हुए बधाई देता हूँ। सरकार में मैं मंत्री बना हूँ और हमारी प्राथमिकता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो जन कल्याण योजना चल रहा है इस देश में, हमारे राज्य में, गरीबों तक सबसे पहले उसको पहुंचाना। ये कौशल विकास या आत्मनिर्भर बिहार, लोगों को रोज़गार, उसमें कितना लोगों को हम लोग रोज़गार करवा सकते हैं, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। से बात करने के लिए धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये नए मंत्री हमारे साथ रामप्रीत पासवान थे, जिनका कहना था कि मिथिलांचल का काफ़ी विकास हुआ है, 15 साल में बिहार का काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन कुछ बुनियादी जो चुनौतियां हैं वो इनके सामने आएंगी। जैसे अफसरशाही की शिकायत इस शासन में आम रही है और अफसरशाही को पार पाना ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रीतम कुमार, जी मीडिया, पटना। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।